हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप कैसे दही से गोरी, बेदाग और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। दही हमारे स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इसके रेगुलर यूज़ से हमारी स्किन बहुत ही यंग, ब्राइट और ग्लोइंग दिखने लगती है, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। दही में हाई अमाउंट्स ऑफ लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। इसके यूज़ से हमारी स्किन पर से डेड स्किन रिमूव होती है। ये जेंटली हमारी स्किन को पील करता है, स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाता है और ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है। तो चलिए इस आसान से स्किन केयर रूटीन को शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप मेरा कोई भी फ़ायदेमंद वीडियो मिस ना करें। इस स्किन केयर रूटीन को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट है कर्ड फेशियल क्लेंजर और सेकेंड है कर्ड फेस मास्क। कर्ड फेशियल क्लेंजर बनाने के लिए आप एक बोल में 1 टीस्पून योगर्ट यानी दही लीजिए और उसमें 1 टीस्पून फ्रेश नींबू का रस, 1/2 टीस्पून शहद और 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका होममेड फेशियल क्लेंजर तैयार है। अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए और फिर इस फेशियल क्लेंजर को अपने चेहरे पर ऐसे अप्लाई कीजिए और 2 से 3 मिनट तक अपनी स्किन को ऐसे मसाज कीजिए। ये जो दही, बेसन, शहद और नींबू का कॉम्बिनेशन है वो हमारी स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव करेगा, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और एक ब्राइट एंड ग्लोइंग अपीयरेंस देगा हमारी स्किन को। 2 से 3 मिनट ऐसे मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। इस फेशियल क्लेंजर को आप रोज़ अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ कीजिए। आप चाहें तो इस फेशियल क्लेंजर को दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए आप एक बोल में 1 टीस्पून योगर्ट यानी दही लीजिए, उसमें 1 टीस्पून फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी, 1 टीस्पून राइस फ्लार, 1 टीस्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इस मास्क को अपने साफ चेहरे पर और गर्दन पर ऐसे अप्लाई कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है और स्किन पर से दाग धब्बों को दूर करता है। राइस फ्लावर यानी चावल के आटे में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन क्लियर होती है, ये स्किन को इवन आउट करता है और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। नींबू में स्किन लाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन पर से किसी भी तरह के दाग धब्बों को हटाता है और हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन करता है। इस मास्क को लगाने के बाद आप इसे सूखने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लीजिए। इस मास्क को आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करें। आप इस स्किन केयर रूटीन को एक हफ्ते के लिए यूज़ कीजिए और आपको इस फेस क्लेंजर और फेस मास्क के रिजल्ट्स अपनी स्किन पर खुद ही दिखने लगेंगे। ये स्किन केयर रूटीन आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, आपकी स्किन पर से किसी भी किस्म के दाग धब्बों को दूर करेगा, आपकी स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन पर से सारा सन टैन रिमूव होगा और आपकी स्किन कुछ ही दिनों में बहुत ही ग्लो करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस ईजी से स्किन केयर रूटीन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही फ़ायदेमंद स्किन केयर टिप्स के लिए और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।